देखिए टीचर्स, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम आयन इन ग्रुप फिफ्थ ड्यूरिंग मिक्सचर एनालिसिस। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं और ग्रुप फिफ्थ में अल्कलाइन और मेटल कैटायंस को प्लेस किया गया है, जिसमें बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, कैल्शियम है, वहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं। अगर उसके प्लेस पर हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया होता तो क्या होता? अमोनियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम कार्बोनेट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इससे हमें किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा? कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंपेरेबल टू अमोनियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो जो सिक्स्थ ग्रुप में मैग्नीशियम आयन को प्लेस किया गया था वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में फिफ्थ ग्रुप में ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जब हम मैग्नीशियम को क्या है भाई, हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पर रखें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो बेरिलियम का केएसपी कम है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा मैग्नीशियम का, बेरिलियम का केएसपी ज्यादा है, फिर उससे कम मैग्नीशियम का, फिर उससे कम कैल्शियम, मतलब सबसे कम केएसपी वाला यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट है जो इजिली प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पर सोडियम कार्बोनेट डालने पर कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि वो सिक्स्थ ग्रुप के जो हाई केएसपी वाला था उसको भी फिफ्थ ग्रुप में ही प्रेसिपिटेट करा देगा। तो देखिए, सोडियम आयन विल रिएक्ट विद एसिडिक रेडिकल्स, नो। कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज वेरी लो, नो, इंक्रीज होना है। मैग्नीशियम आयन विल ऑल्सो बी प्रेसिपिटेट इन ग्रुप फिफ्थ। सोडियम आयन्स विल इंटरफियर विद द डिटेक्शन ऑफ, नो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का ज्यादा केस पीता पर हायर कंसेंट्रेशन पर वो फिफ्थ ग्रुप में इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए वहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम कार्बोनेट को यूज करते हैं।